दिस इज मी भावना, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पत्रोकला। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ एक 3D प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि एक गेम के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे एक बॉल भी रखी हुई है, तो ये मेरा गेम है। आप देख सकते हैं ये एक फुसबॉल गेम है। ये किस तरीके से हम यहाँ पे इसे मूव करके गेम खेल सकते हैं, ये मैंने एक शू बॉक्स से बनाया है। इसका बेस आप देख सकते हैं, अभी भी शू बॉक्स का ही है, मैंने उसको फिनिश नहीं किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है। फुसबॉल गेम के इस 3D प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शू बॉक्स चाहिए। आप कोई सा भी शू बॉक्स ले सकते हैं, इवन आप ऑनलाइन आने वाले बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस शू बॉक्स के फ्लैप को कट कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्लैप की कटिंग करने के लिए पेपर कटर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सीजर का यूज करके भी इस फ्लैप की कटिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बॉक्स किस तरीके का दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की पेस्टल शीट का यूज करके शू बॉक्स के मेजरमेंट ले रही हूँ। बेसिकली मैं इस शू बॉक्स को ट्रेस करूंगी इस शीट के ऊपर, ताकि मैं इस शीट को शू बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर सकूं। अब मैं यहाँ पे कंपास का यूज करके अपनी शीट के बीचों बीच एक सर्कल बनाऊंगी। किसी भी शीट का सेंटर निकालने के लिए आप चारों कॉर्नर्स पे क्रॉस करते हुए लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, जैसा की आप पिक्चर में देख सकते हैं। और अब मैं इसी सर्कल को कट करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं शीट के दोनों साइड पर गोल कीपिंग एरिया या फिर पेनल्टी एरिया भी बनाऊंगी। इसको मैंने दोनों साइड से 2 इंच के गैप पर मार्क करके 2 इंच चौड़ा रेक्टेंगल बनाया है। इसको मैंने डबल आउटलाइन भी किया है। और इसी तरह से आप दूसरे साइड को भी ड्रॉ कर लेंगे। शीट के ऊपर सारी ड्रॉइंग कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज कर लूंगी। और अब मैं व्हाइट कलर का एक्रिलिक पेंट यूज करके ड्रॉ की हुई सारी लाइन्स को आउटलाइन कर लूंगी। व्हाइट कलर से सारी आउटलाइंस के कम्प्लीट होने के बाद अब मैं अपनी शीट को बॉक्स के अंदर पेस्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पे एक टेबल टेनिस की बॉल लेकर अपने गेम के गोल कीपिंग एरिया की मेजरमेंट ले रही हूँ कि मुझे इसमें कितना बड़ा होल बनाना है। तो यहाँ पे इसकी मैं मार्किंग कर लूंगी। सबसे पहले एक साइड की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसी तरह हम दूसरे साइड की मार्किंग भी कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे पेपर कटर की हेल्प से कट करूंगी। कटिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा गोल कीपिंग वाला एरिया किस तरीके से रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की कटिंग भी कर लेंगे। अब मैंने दोनों साइड से अपने बॉक्स को कट कर लिया है गोल कीपिंग वाले एरिया के लिए। यहाँ पे मैं अपनी बॉल के साथ इसे टेस्ट करके देख रही हूँ। अब मैं इस बॉक्स के अंदर 2 होल करूंगी साइड साइड में, ताकि मैं इन 2 प्लास्टिक के पाइप्स को ऐड कर सकूं। सबसे पहले मैं बॉक्स के सेंटर को मार्क करूंगी। सेंटर को मार्क करने के बाद 3-3 इंच के गैप पर मैं दोनों होल्स के लिए मार्क करूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड पर भी होल्स के लिए मार्किंग कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे शू बॉक्स में बने हुए होल्स की कटिंग को ही ड्रॉ करके इन सर्कल्स को बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैं सर्कल को पेपर कटर से क्रॉस कट करते हुए एक होल को क्रिएट करूंगी और इससे पाइप को पुश करके इंसर्ट करूंगी। इसी तरीके से हम चारों होल्स को तैयार कर लेंगे। चारों होल्स के प्रिपेयर होने के बाद मैं इनके अंदर पाइप्स को अटैच करके देखूंगी। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से आराम से अटैच हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे होल्स के एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करूंगी सीजर की हेल्प से। अब मैं अपने प्रोजेक्ट की फिनिशिंग के लिए चारों तरफ से शीट को अटैच करूंगी, कुछ अंदर से भी और कुछ बाहर से भी। तो सबसे पहले मैं अंदर के लिए ग्रीन कलर की शीट की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे शू बॉक्स की ही मेजरमेंट ले रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी शीट की कटिंग करूंगी। कटिंग कम्प्लीट होने के बाद मैं सभी पीसेस को फेविकॉल की हेल्प से अपने बॉक्स के अंदर अटैच करूंगी। अभी तक मैंने बॉक्स के 2 साइड को कवर किया है। अब मैं बची हुई 2 साइड को भी बॉक्स के कवर करूंगी। वहां पे मेरा पेनल्टी एरिया आ रहा है, इसलिए मेरे को शीट की कटिंग भी उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। शीट्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं फेविकॉल का यूज करके बची हुई 2 साइड्स के ऊपर इन शीट्स को भी अटैच कर दूंगी। मैंने बॉक्स के अंदर चारों तरफ से पेपर को लगा लिया है। अब मैं पेंसिल का यूज करके पाइप को इंसर्ट करने वाले होल्स को वापस से मार्क कर रही हूँ। अब मैं डार्क ग्रीन कलर की शीट को यूज करके अपने बॉक्स को बाहर से भी कवर करूंगी। अभी तक मैंने बॉक्स को बाहर से 2 साइड से कवर किया है।
अब बची हुई दो साइड्स की भी मेजरमेंट लेके मैं इनकी कटिंग करूंगी। शीट्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे बाहर से बॉक्स के ऊपर पेस्ट भी करूंगी। अब मैं बॉक्स के बाहर से चारों तरफ से ग्रीन कलर की शीट को अटैच कर चुकी हूँ। बॉक्स की और अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर की शीट्स की पतली पतली स्ट्रिप्स की कटिंग कर रही हूँ। इन ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स का यूज मैं अपने बॉक्स की फिनिशिंग करने के लिए करूंगी। इन स्ट्रिप्स के ऊपर फेविकॉल लगाते हुए चारों तरफ से बॉक्स के कॉर्नर और एजेस को मैं पेस्ट करूंगी इसे या कवर करूंगी। आप देख सकते हैं वीडियो में ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। जब तक मैं इस बॉक्स की फिनिशिंग कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो स्कूल से मिले कंटेंट को आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। मुझे जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होंगे मैं उसी टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेरी वीडियो शेयर करके अपने स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमेंट ज्यादा से ज्यादा करवाएं। पेपर पेस्टिंग से बॉक्स की फिनिशिंग हो चुकी है। अब मैं बॉक्स में पाइप या स्टिक को अटैच करूंगी। इसके लिए पेपर पेस्टिंग से पहले जो मैंने होल किए थे उन्हीं होल्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्टिक्स को अपने बॉक्स के अंदर अटैच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने दो प्लेयर्स का प्रिंट आउट ले रखा है। आप चाहें तो हाथ से भी ड्रॉ करके इन प्लेयर्स को बना सकते हैं। इन दोनों प्लेयर्स की कटिंग मैं यहाँ पे कर लूंगी। अब मैं इन दोनों प्लेयर्स को स्टिक के साथ अटैच करूंगी। इसके लिए यहाँ पे मैं शू बॉक्स के फ्लैप से बचे हुए कार्डबोर्ड को यूज करूंगी। कार्डबोर्ड से मैं दो पतली स्ट्रिप्स की कटिंग करूंगी जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी के साथ ब्लैक पेपर की भी दो पतली स्ट्रिप की कटिंग करूंगी। ब्लैक शीट के साथ कार्डबोर्ड पीसेस को अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल अप्लाई किया है। इसी तरीके से हम दोनों कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल अप्लाई करते हुए ब्लैक शीट के ऊपर पेस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा ब्लैक शीट की यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी। कार्डबोर्ड शीट के ऊपर जो ब्लैक कलर की शीट मैंने पेस्ट की है उसकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए या एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए मैंने 2 इंच वाली सेलो टेप का यूज किया है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर अपने प्लेयर्स को पेस्ट करूंगी। अब मैं इन दोनों प्लेयर्स को सेलो टेप की हेल्प से अपने स्टिक्स के ऊपर पेस्ट करूंगी, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इस गेम के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक तो आपके प्लेयर जो है आपके स्टिक्स के साथ बहुत अच्छे से अटैच होने चाहिए और दूसरा आपने स्टिक्स को अटैच करने के लिए जो होल किए हैं वो इतने लूज होने चाहिए कि स्टिक्स आपकी इजीली मूव हो सके। और इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।